कृष्ण जन्माष्टमी पर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह एक अलग ही रंग में दिखे। अपने गृह ग्राम भमौरा स्थित रुद्राक्ष धाम में जोर शोर से मनी जन्माष्टमी के अवसर पर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के गृह ग्राम भमौरा स्थित रुद्राक्ष धाम में जन्माष्टमी महोत्सव में उन्होंने हिस्सा लिया और कृष्ण भक्ति में वह झूमे भी। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। आज भक्त और मंत्री जी कृष्ण की भक्ति में भाव विभोर होकर झूमते नाचते दिखे। कृष्ण मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। कृष्ण की झांकी की एक झलक पाने के लिए सभी आतुर थे। माहौल ऐसा था मानो यहीं वृंदावन हो। महिलाएं भजन कीर्तन कर रही थी। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। घरों में भी नटखट नंदलाल की पूजा अर्चना की गई। बाल गोपाल को नया वस्त्र मुकुट बांसुरी और आभूषणों से सजाया गया। नगरी प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ग्राम बमोरा स्थित रुद्राक्ष धाम में जन्माष्टमी महोत्सव में भाग लिया और राधा कृष्ण के दर्शन कर आरती में भी हिस्सा लिया। वहां हो रहे भक्ति भाव में झूमे भी। गौरतलब है कि धाम स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में सुबह से ही दर्शनार्थियों का आना शुरू हो गया था। इस अवसर पर भगवान श्री कृष्ण और राधा का विशेष श्रृंगार किया गया था और मंदिर को भी सजाया गया था। कलेक्टर दीपक सिंह, एसपी अतुल शाह के अलावा पप्पू मकदस, संतोष कुमार, प्रीतम सिंह ठाकुर, जानी यादव, कुलदीप राय, राजू सिंह ठाकुर, राजेंद्र सिंह ठाकुर उपस्थित रहे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। यहाँ पे जो आप आएंगे, ये जगह कौन सी है? जन्माष्टमी को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं। वो हमारे देश की परंपरा है, हर साल हम लोग मनाते हैं। उस परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो हमारे भारतीय जनता पार्टी है और मंडल अध्यक्ष की टीम के द्वारा खुश रहे, स्वस्थ रहे, सबका जीवन। मंडल अध्यक्ष का नाम क्या है? सरपंच और प्रतिनिधि हमारे यहाँ नगर परिषद के अध्यक्ष देवराज सिंह और उपाध्यक्ष देवी दयाल कुमार। और समिति प्रतिनिधि कौन है? खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।